ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरा नाम है नीलम दुर्गावानी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, क्या है यूनिवर्स का संदेश आपके लिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉमेंट सेक्शन में जय महाकाली ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, एक है ये शंख और एक है ये वाइट क्रिस्टल। दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करें। जानेंगे हम कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, क्या है आपके लिए मैसेज। फरवरी 2023 में आपके लिए यूनिवर्स का क्या संदेश है। तो ये जो रीडिंग है ये फरवरी मंथ के लिए है, जिन्होंने शंख सिलेक्ट किया है। पहले जानेंगे कि उनके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज भेज रहा है फरवरी के महीने में। जो कुछ भी हमें मैसेज मिलेगा आपको मैं यहाँ पर बता दूँगी, ठीक है। तो जानते हैं जिन्होंने शंख सिलेक्ट किया है यूनिवर्स उनके लिए क्या संदेश भेज रहा है। 2023 फरवरी का महीना कैसा रहेगा उनके लिए जिन्होंने सिलेक्ट किया है शंख को। 2023 फरवरी, यहाँ पर हमें 10 ऑफ सॉर्ड्स मिला है, साथ में 3 ऑफ सॉर्ड्स मिला है और मिला है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स यहाँ पे आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है और 3 ऑफ सॉर्ड्स है। क्लियर है यहाँ पर कोई धोखा देगा। हो सकता है आप रिलेशनशिप में हो और आपको किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, वही पर्सन आपको यहाँ पर धोखा देगा। आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी इस महीने। 2023 का फरवरी का महीना एक आई ओपनर होगा आपके लिए। जानेंगे आप किसी पर्सन की रियलिटी और यहाँ पर बैकस्टैप कर रहा है कोई आपको। तो ये संदेश आया है आपके लिए। और जान लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहता है और क्या आपके लिए संदेश है ब्रह्मांड का। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। इसका मतलब है कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जो धोखा देने वाला है आपको, और आपको अपनी लाइफ में एक न्यू पर्सन के लिए एक स्पेस जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। ये न्यू कंपनी भी हो सकती है, नया बिजनेस भी हो सकता है, जो भी चीज़ अभी आप कर रहे हैं हो सकता है उसमें आपके साथ विश्वासघात हो फरवरी के महीने में। और आपको यूनिवर्स यहाँ पर बता रहा है कि कुछ नया करने का समय आ गया है। समटाइम्स द गुड इज हिडन। हो सकता है जिस भी कंपनी में आप जॉब करते थे वो आपकी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं थी। हो सकता है जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में थे वो आपके लिए ठीक नहीं था। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। कुछ लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी से हो जाएंगे दूर, उनकी रियलिटी सामने आ जाएगी, आपको उनका रियल फेस जो है वो दिखेगा। तो यहाँ पर कोई धोखा देगा आपको 2023 के फरवरी के महीने में। और यूनिवर्स आपसे कह रहा है एवरीवन इज़ डूइंग देयर बेस्ट। तो यहाँ पर हो सकता है उनके लिए आप उतने इम्पॉर्टेंट ना हो और यही कारण है कि वो आपकी लाइफ से दूर हो रहे हैं या आपको धोखा दे रहे हैं। तो वो अपने हिसाब से जो कर रहे हैं वो उनको ठीक लग रहा है, लेकिन यूनिवर्स आपसे क्या कह रहा है, यू आर बीइंग वॉच्ड बाय लविंग आइज़, कि कोई ना कोई है जो आपके ऊपर पूरा जिसका ध्यान है। यूनिवर्स यहाँ पर कह रहा है कि मैं आपके ऊपर नज़र रख रहा हूँ और मैं आपकी लाइफ में जो भी गलत हो रहा है उस सब को ठीक कर दूँगा। जो गलत लोग हैं वो एग्ज़िट कर जाएंगे आपकी लाइफ से और नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपके लिए अच्छे होंगे। यहाँ पर और देख लेते हैं क्या संदेश है आपके लिए और क्या कुछ नया हमें यहाँ पर पता चलेगा। जानते हैं जिन्होंने शंख सिलेक्ट किया है, द सन कार्ड आया है, करियर में बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी फरवरी के महीने में। अगर प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो प्रमोशन होगा आपका। और यहाँ पर क्या संदेश है देखिए, बहुत ही सुंदर कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, खजाना मिलेगा आपको। जैसा कि मैंने कहा प्रमोशन होगा 2023 में, फरवरी का महीना आपके लिए प्रमोशन ला रहा है और साथ में ला रहा है खुशियाँ। तो आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी, प्रमोशन है। और यहाँ पर जो शत्रु है वो अभी भी नज़र बनाकर बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि शत्रु दूर हो गया। तो जो पर्सन आपको देगा धोखा वो इस महीने के एंड में आपके आसपास नज़र आएगा, आपको स्टॉक कर सकता है आपको और जानना चाहेगा आपकी लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर वो पर्सन कहीं दूर से ही नज़र रखेगा आपके ऊपर, क्योंकि वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी खुशियों को देख रहा है। वो जानता है कि आप उसके बिना तो यहाँ राजा बन गए, आप उसके बिना तो यहाँ रानी बन गए और यही उसको पसंद नहीं आएगा। वो पर्सन कहीं दूर से आप पर नज़र रख सकता है। इस साल के एंड तक वो पर्सन आपके सामने
बहुत ज़्यादा छोटा नज़र आने वाला है, चाहे फाइनेंसिस की बात करें, चाहे पर्सनल लाइफ की बात करें। वो पर्सन यहाँ पर हर चीज़ में एक डाउनफॉल फेस करेगा आने वाले समय में। तो ये रीडिंग है जिन्होंने सेलेक्ट किया था शंख। अब जानते हैं जिन्होंने सेलेक्ट किया था ये वाइट क्रिस्टल स्टोन, उनके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है फेब्रुअरी के महीने में। स्पेशली फेब के महीने के लिए ही रीडिंग मैंने की है, जिससे कि आपको पता चले कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप पहली बार मेरी रीडिंग देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहेंगे, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज में ज़रूर बताएं। अब हम यहाँ पर देखेंगे जिन्होंने वाइट स्टोन सेलेक्ट किया है उनके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज भेज रहा है। चलिए जानते हैं। ओके, तो जिन्होंने व्हाइट क्रिस्टल स्टोन सिलेक्ट किया है, अब उनके लिए देख लेते हैं क्या संदेश है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताने वाले हैं फरवरी के महीने में। कहीं आउटिंग पे जा सकते हैं आप। और यहाँ पर देखें तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है। हो सकता है कोई पर्सन, जब आप कहीं आउटिंग पे जाएं तो कोई पर्सन आपको डिस्टर्ब कर सकता है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन वो इसमें समर्थ नहीं हो पाएगा। वो जो भी करना चाहता है आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहता है, उसमें वो हार जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो वो खुद भी जानता है कि वो आपके सामने जीत नहीं सकता। वो आपके परिवार में जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा, चाहे बिजनेस में चाहे रिलेशनशिप में, वो जानता है कि वो हार जाएगा। तो ये पर्सन पहले ही जानता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, और आपकी लाइफ में वो जितना भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो प्रॉब्लम उल्टा उस पर ही आएगी। तो यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपकी एक खुशहाल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा फेब के महीने में, लेकिन वो खुद भी जानता है कि ऐसा करने से ये सारी चीज़ें वापस उस पर ही आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपकी खुशियों को कोई कंट्रोल करना चाहेगा, लेकिन बहुत बुरे तरीके से फेल हो जाएगा, क्योंकि अबेंडेंस आपकी लाइफ में, आपके परिवार में यहाँ पर यूनिवर्स भेज रहा है। एक्शन लेंगे आप और बहुत से कार्य करेंगे फेब के महीने में। बहुत कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर बेबी भी दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छा मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स का। फरवरी का महीना बहुत कुछ लेकर आने वाला है, और देख लेते हैं क्या संदेश है यूनिवर्स का आपके लिए। यहाँ पर हम देखें तो हमें मिला है योर ट्रेजर इज़ एट हैंड। कोई हो सकता है आपने कोई बिजनेस डील की हो सकता है कहीं आपने पैसे इन्वेस्ट किए हों, तो वो अब आपको खजाना मिलने ही वाला है। यहाँ पर हम देखें यू आर एडोर्ड, तो लोग आपको पसंद करेंगे वर्क प्लेस में, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में। जो रिलेशनशिप है आपका वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। एवरी वन इज़ डूइंग देयर बेस्ट, आपके परिवार के सभी लोग, जो लोग आपके आसपास हैं, वो सभी आपको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे और आपको हेल्प करेंगे। यू नीडंट वरी, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप चिंता ना करें। इस तरीके के सारा इंतज़ाम किया गया है आपके आसपास कि हर कोई सिर्फ आपकी मदद करेगा, आपको पसंद करेगा। आई गो वेयर यू गो, यूनिवर्स तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भेज रहा है। यहाँ पर शिवजी भगवान की आराधना करें, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप आप करें। इस मंत्र के जाप से आपकी और यूनिवर्स की जो बॉन्डिंग है, जो ट्यूनिंग है, वो और स्ट्रांग होगी, और आप वो कुछ अचीव कर पाएंगे जो आप हमेशा सोचते थे। तो यहाँ पर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की। इफ़ दे वंस लव्ड यू दे स्टिल डू, अगर कोई चला भी गया है दूर आपसे, वापस आएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है डोंट बी मिसलेड, किसी भी पर्सन की बातों में एकदम से ना आए। आपकी तरफ यूनिवर्स का पूरा ध्यान है, यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो जो चले गए हैं दूर वो वापस आएंगे, आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी। जो एनिमीज़ हैं वो अपने आप ही डिफ़ीट हो जाएंगे, वो जानते हैं कि वो आपसे कमज़ोर हैं, तो वो यहाँ पर आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स तो वहीं जा रहा है जहाँ आप जा रहे हो। तो यूनिवर्स तो आपके साथ है, तो यहाँ पर जब यूनिवर्स ही आपके साथ है तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। माता की आप पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कृपा है, भोले बाबा की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है। उम्मीद करती हूँ आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर है 9899000366।
अगर आपको माता की मदद पोटली चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, आपको फाइनेंशियल ट्रबल है, आपके आपस में जो रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ में उसमें ट्रबल हो रही है, सेपरेशन की नौबत आ रही है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आपकी फैमिली में ब्लेसिंग्स आएंगी। माता की मदद पोटली एक चमत्कारी पोटली है। जिसने भी ऑर्डर करी है, जिसने भी ये पोटली अपने लिए बनवाई है पर्सनलाइज पोटली, उन सब की लाइफ में चेंजेस आए हैं, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। और माता की इतनी कृपा है इन पोटलियों पे कि आपकी लाइफ एकदम बदल जाएगी। तो आप चाहें तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपॉइंटमेंट बुक करें, क्योंकि इसका एक प्रोसेस है। आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, उसमें आपकी रीडिंग होगी, उसके बाद माता के आदेश से ही आपको पोटली एडवाइस की जाती है कि आपको कौन सी पोटली ठीक रहेगी, और जो आपके बारे में माता को आदेश होता है माता का, उसी हिसाब से ये चीज़ें की जाती है। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी अवश्य फॉलो करें, मैं वहाँ पर भी हूँ नीलम दुर्गा भवानी नाम से, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और आप मेरे यूट्यूब के इंग्लिश चैनल पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आप वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय भारत, जय महाकाली।